आज हम तीसरे दिन के बारे में बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 177 रन बनाए दूसरी इनिंग में इक्यानवे रन बनाए इंडिया ने पहली इनिंग में 400 रन बनाए रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल के अड़सतक रोहित शर्मा ने शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी दूसरी इनिंग में इक्यानवे रन पर सिमट गई जिसमें से हमारे सबसे ज्यादा विकेट अश्विन ने लिए पांच विकेट और हमारे रवि और जडेजा को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया जिनने पहली इनिंग में पांच विकेट लिए सैतालीस रन देकर और सत्तर रन मारे दूसरी इनिंग में चौतीस रन देकर दो विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया के और काफी बढ़िया खेली है हमारी भारतीय टीम और काफी बढ़िया मैच जीता है और विश्व चैंपियनशिप फाइनल के दौर में आप नजर आ रही है भारतीय टीम और भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को एक इनिंग्स एक पारी और एक रन से हरा दिया है और काफी बढ़िया क्रिकेट मैच हुआ है काफी बढ़िया लीड ले ली है एक जीरो की ऑस्ट्रेलिया से और ऑस्ट्रेलिया हमारी पूरी टीम तीसरे दिन सिमट गई और काफी बेकार क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया ने और पूरे दिन भी नहीं खेल पाई ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट टीम की एक शानदार जीत एक बेहतरीन जीत भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सभी को बधाई देते हैं इस जीत के लिए क्योंकि टेस्ट मैचों में भारतीय टीम काफी कमजोर नजर आई थी रोहित शर्मा ने जिस हिसाब से शतक लगाया उसके बाद हमारे रविंद्र जडेजा ने सत्तर रन आए, अक्षर पटेल ने 55 रन बनाए और काफी बढ़िया क्रिकेट खेला और एक काबिल तारीफ बैटिंग देखने को मिली काफी और एक होनार क्रिकेट खेला 400 रन का स्कोर टांगा बोर्ड पे और ऑस्ट्रेलिया टीम को 91 रन पर समेट दिया दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया टीम की काफी बड़ी हार है जो कि भारत के खिलाफ 132 रन से हराया और एक इनिंग्स एक पारी भी बची थी एक पारी भी नहीं एक पारी से हराया और एक सौ बत्तीस रन से हराया ऑस्ट्रेलिया की लगभग में अब तक की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया टीम के चयनकर्ता भी काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टीम पे और पूरी टीम पे सवाल उठा रहा है क्योंकि काफी बेकार क्रिकेट खेला ऑस्ट्रेलिया टीम ने और भारतीय टीम की शानदार जीत बेहतरीन जीत और एक बहुत भी बढ़िया क्रिकेट खेल के दिखाया भारतीय टीम ने